अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नालगोंडा टेक्निक के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा, पूछा था, एक कस्टमर ये क्वेश्चन पूछा था कि नालगोंडा टेक्निक क्या होते हैं। असल पिछले दिनों हमारा ये एक टूर था, नालगोंडा तेलंगाना में एक जगह है, तो वहाँ से मैंने ये आइडिया लिया था कि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। नालगोंडा टेक्निक के बारे में हमें पढ़ना होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। ये असल में डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हमें भी, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत सिलेबस में, हमारे सिलेबस में इसे पढ़ना है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं नीट पीजी में, तो इससे इसलिए हमें ये डिस्कस करना ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस पर बात करेंगे नालगोंडा टेक्निक के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं कि ये नालगोंडा टेक्निक क्या है। नालगोंडा टेक्निक अ प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर, इसको डी फ्लोरिडेशन कहा जाता है। वाटर कंटेंट में, वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर हम ले रहे हैं, उसमें जो फ्लोराइड कंसेंट्रेशन का जो एक्सेस होता है उसको रिमूव करते हैं जिस प्रोसेस के जरिए। उस प्रोसेस में से एक प्रोसेस नालगोंडा टेक्निक भी होता है। तो ये नालगोंडा टेक्निक वो एक प्रोसेस है। फ्लोराइड इज अ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल वाटर्स। हम जो पानी पानी जो पी रहे हैं या जो हमारे आसपास जो नेचुरल वाटर्स है, उसमें नेचुरली फ्लोराइड पाया जाता है, एक कंस्टिट्यूएंट होता है। रिकमेंडेड लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया इज 0.5 to 0.8 mg/L या पार्ट पर मिलियन भी इसको कहेंगे, ppm। तो ये 0.5 to 0.8 mg हमारे ड्रिंकिंग वाटर में रिकमेंडेड है, इतना होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। द स्टैंडर्ड WHO ने जो स्टैंडर्ड लेवल जो तय किया है, उन्होंने WHO के द्वारा के जरिए जो तय किया गया, वो 1.5 mg/L या 1.5 ppm। मेजर सोर्स ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज मेजर सोर्स ऑफ फ्लोरीन इज ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पे सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, तो ये सवाल, ये ड्रिंकिंग वाटर 0.5 to 0.8 mg/L जो हमारे यहाँ फ्लोराइड लेवल जो रिकमेंडेड है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट पीजी में, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लोराइड इज कॉल्ड डबल एज्ड सॉर्ड। फ्लोराइड को डबल एज्ड सॉर्ड कहा जाता है, दो धारी तलवार, वो तलवार जो दोनों तरफ से काटे। तो इसको दो धारी तलवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनएडिक्वेट इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड कॉजेज डेंटल केरीज। अगर हम इसका कम इंटेक करते हैं, जितना जो रिकमेंडेड लेवल है उससे कम अगर हम ले रहे हैं फ्लोराइड, तो उसकी वजह से डेंटल केरीज होता है। और अगर एक्सेस लेते हैं तो डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, डे के दांतों का डिस्कलरेशन हो जाता है, इनेमल का डिग्रेडेशन हो जाता है, और दांतों का डिस्कलरेशन होता है, और दांत ब्रिटल हो जाते हैं, मॉटलिंग ऑफ टीथ होता है। और स्केलेटल फ्लोरोसिस में लिम्स जो है, लोअर लिम्स खास तौर पे, ये वो डिस लोअर लिम्स का जो है ना, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं लोअर लिम्स में। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेंटल डबल एज सॉर्ड, फ्लोराइड को कहा जाता है, क्योंकि इसके एक्सेस के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, और इनएडिक्वेट इंजेक्शन की वजह से डेंटल केरीज होता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है कि डबल एज सॉर्ट फ्लोरिन किसको कहा जाता है, तो फ्लोरिन, और क्यों कहा जाता है, तो इस वजह से कहा जाता है। ये बहुत अहम टॉपिक है, आपको इसको समझना चाहिए। अब आइए, डी फ्लोरेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। द डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड एंड कंसंट्रेशन इन पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सो दैट द लेवल ऑफ फ्लोराइड इज मेंटेन एट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ 1 ppm to prevent dental caries with minimum possibility of causing dental fluorosis. That means ये के जो जो normal physiological limit है 1 ppm, यहाँ कहा गया है 0.5 to 0.8 होता है, जो यहाँ पे roughly 1 ppm कहा गया, तो उस limit को, उस physiological normal limit को बरकरार रखने के लिए fluoride concentration अगर ज़्यादा है तो उसको remove करने के का जो process है उसको defluoridation कहा जाता है। ये डिफ्लोरेशन कैसे होता है, इसके तीन चार टेक्निक हैं। कौन कौन टेक्निक है, तो आयन एडजॉर्प्शन टेक्निक है, आयन एक्सचेंज टेक्निक है, प्रिसिपिटेशन टेक्निक है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं नालगोंडा टेक्निक, उसमें ये नालगोंडा प्रिसिपिटेशन टेक्निक पे काम करता है। और अदर्स में आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है अदर टेक्निक्स में, तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल इसको हम लोग पढ़ लें। तो
तो डिफरेंट फ्लोराइड टेक्निक्स जो होता है और उसमें मटेरियल यूज होता है क्या क्या होता है, एडजॉर्प्शन के जो का जो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन का जो टेक्निक है, उसमें ये सारे मटेरियल्स हम यूज करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन प्रोसेस्ड बोन, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम वोड कोल नट सेल पेडी हस्क कॉफी हस्क जूट वगैरह, तो ये इन सब चीज़ों के जरिए से वाटर को गुजारा जाता है, तो ये एडजॉर्ब कर लेते हैं फ्लोराइड को। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक रेजिन्स होते हैं पॉलीमर्स के फॉर्म में, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, पॉलीमर्स पॉलीस्टराइन पॉलीस्ट्रीन एनसीएल पॉलीएनायन रेजिन और ये सारे जो पॉलीमर्स है टोल्सन 827, ये बहुत ज़्यादा आपको इसको याद नहीं करना, बस एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं आयन एक्सचेंज के जरिए क्या होता है आयन एक्सचेंज। लेकिन ये सारे ये दोनों प्रोसेस जो है ये थोड़ा ये दोनों प्रोसेस कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसकी वजह से ये टेक्निक डेवलप किया गया, प्रिसिपिटेशन टेक्निक जिसको नीरी वालों ने डेवलप किया जो आगे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, लाइम एंड एलम यूज किया जाता है नलगुंडा टेक्निक में, इसके अलावा और भी होते हैं पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड पॉली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी सल्फेट वगैरह और अदर्स में, अदर्स टेक्निक में इलेक्ट्रो डायलिसिस रिवर्स ऑस्मोसिस, ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो वाटर प्योरीफायर होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे मैक्सिमम वाटर प्योरीफायर रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करते हैं, तो इसके जरिए भी डिफ्लोरेशन होता है। अब आइए नलगुंडा टेक्निक के थोड़ा हम डिटेल पढ़ते हैं, ये क्या है। पहले जैसे हम लोगों ने बताया कि नलगुंडा टेक्निक इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर, जो अपार्ट फ्रॉम अदर्स टेक्निक ये इकोनॉमिकल है एंड सिंपल मेथड है रिमूवल ऑफ फ्लोराइड के लिए, और इसको डेवलप किया है नीरी वालों ने, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में वहाँ के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, नलगुंडा एरिया में जा करके वहाँ उन लोगों ने एक्सटेंसिव रिसर्च किया, तो उस एरिया की वजह से इन लोगों ने इस टेक्निक का नाम नलगुंडा रखा। इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ, यहाँ सीक्वेंस पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये सीक्वेंस में क्या क्या इसमें हम लोग ऐड करते हैं इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले लाइम ऐड करते हैं और उसके बाद ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एलम ऐड करते हैं, एलम का इसमें ज़्यादा मेजर रोल होता है डिफ्लोरेशन के लिए, फ्लोराइड को रिमूव करने में एलम का ही मेजर रोल है, तो सबसे पहले एलम ऐड कर लाइम ऐड करेंगे, फिर एलम ऐड करेंगे, फिर ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं और उसके बाद फ्लोकुलेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है और फिर हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद होना चाहिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ये जो नीरी वालों ने जो डेवलप किया है नलगुंडा टेक्निक उसका एक फ्लो चार्ट है, सबसे पहले हम यहाँ लाइम और एलम ऐड करते हैं जो यहाँ फ्लैश मिक्सिंग के बाद फ्लोकुलेट हो जाता है और यहाँ सेडिमेंट करते हैं, तो एक्सेस फ्लोराइड जो है सेडिमेंट हो जाता है और यहाँ से वाटर फिल्टर होकर के जो प्योर वाटर है यहाँ पे आता है और इसको हम टैंक में स्टोर करके और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम इसको यूज करते हैं। अब आइए क्वेश्चन, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट पीजी में, तो उसमें पहला क्वेश्चन था ये वाटर फ्लोराइड इज रिमूव बाय बॉइलिंग, नलगुंडा टेक्निक, पटना टेक्निक, फिल्ट्रेशन। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल, अब तो आसान, ये पढ़ने के बाद सब कोई बता सकता है इसका आंसर, ये आंसर राइट आंसर इज द बी नलगुंडा टेक्निक। नलगुंडा टेक्निक इज अ प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लोराइड जो डिफ्लोरेशन करते हैं, इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ लाइम एलम एंड ब्लीचिंग पाउडर फॉलोड बाई फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलगुंडा टेक्निक इज यूज इन एपिडेमिक ड्रॉपसी, इंडेमिक एसाइटिस, इंडेमिक फ्लोरोसिस, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, एंड द राइट आंसर इज, बताइए आप लोग, राइट आंसर इज इंडेमिक फ्लोरोसिस। इंडेमिक फ्लोरोसिस यानी फ्लोरीन के का एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर में होने की वजह से जो डिजीज होती है वो कुछ एरिया में दुनिया में तकरीबन जो करंट डेटा है उसके करंट डेटा के हिसाब से अभी दुनिया में 26 के आसपास कंट्रीज में ये एंडेमिक है, यहाँ इंडिया में भी कई स्टेट में एंडेमिक है ये, उसमें एक तेलंगाना भी है जहाँ हम लोग जिस एरिया में हम लोग गए थे,
वो नर्मदा एरिया है, वहाँ पे एंडेमिक है, और उसी तरह राजस्थान में कुछ एरिए हैं और कई एरियाज हैं जहाँ पे ये एंडेमिक है, तो इसके वजह से ये कहा जाता है एंडेमिक फ्लोरोसिस में ये नर्मदा टेक्निक यूज किया जाता है। तो ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, फ्लोरोसिस क्या हुआ? तो फ्लोरोसिस इज अ क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन ऑफ फ्लोरिन कॉज्ड बाय एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोराइड्स। एक्सेस इनटेक फ्लोराइड का एक्सेस इनटेक अगर देर लंबे समय तक अगर लेते हैं तो उससे फ्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलगोंडा टेक्निक फॉर डीफ्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलगोंडा टेक्निक फॉर डीफ्लोरेशन इज इन व्हाट सीक्वेंस? ऑप्शन आर लाइम एंड लाइम प्लस एलम, सोडा प्लस एलम, एलम प्लस सोडा, एलम प्लस लाइम। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें पहला इसका आंसर है लाइम एंड एलम। सबसे पहले लाइम ऐड करते हैं फिर एलम ऐड करते हैं। नलगोंडा टेक्निक इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ लाइम, एलम एंड ब्लीचिंग पाउडर फॉलोड बाई फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेंटल फ्लोरोसिस इज बेस्ट सीन इन सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर इन फर्स्ट मोलर, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर्स, कैनाइंस इन फर्स्ट मोलर्स। तो ये क्वेश्चन भी नीट पीजी में पूछा हुआ है, तो ये हमें याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इससे भी हमसे भी ये पूछा जा सकता है। एंड द राइट आंसर इज सेंट्रल इंसीजर इन फर्स्ट मोलर, ऑप्शन बी। इसमें ये होता है डेंटल फ्लोरोसिस जब शुरू के 7 साल हम लोग डेंटल फ्लोरोसिस अकर्स व्हेन एक्सेस फ्लोराइड इंजेस्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ लाइफ, जो टूथ कैंसिफिकेशन का एज होता है उस दौरान अगर हम 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अगर इंटेक कर रहे हैं तो डेंटल फ्लोरोसिस होता है, होने के चांसेज रहते हैं। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो तो अब पुराने पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते थे उस तरीके का था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, ये सर्सन इन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए और इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया जाता है सर्सन इन रीजन और उसके बारे में पूछा जा सकता है जो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। एसर्शन ए, फ्लोरीन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ डबल एज्ड सॉल्ट, रीजन आर इनएडिक्वेट इंजेक्शन ऑफ फ्लोरीन इज एसोसिएटेड विद डेंटल फ्लोरोसिस वेयर इज एक्सेसिव इनटेक लीड्स टू डेंटल कैरीज। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक एसर्शन है एक रीजन है। अब इसके लिए ये इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें ऑप्शन ए में है बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड आर आर ट्रू, क्या दोनों सही हैं, एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आंसर जो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट ए ट्रू है, फ्लोरीन को डबल एज सॉल्ट कहा जाता है, लेकिन रीजन गलत है। क्यों गलत है, इसको अगर आप जल्दी से पढ़ेंगे तो आप बोलेगा कि सही है, लेकिन यहाँ पे बस बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो आपको अगर डिटेल पढ़े हुए रहेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए और डिटेल, आपको हर चीज़ का डिटेल पता होना चाहिए, तो इसलिए ये अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इसका रीजन क्या होगा, करेक्ट रीजन, तो इनएडिक्वेट इंजेक्शन ऑफ फ्लोरीन से डेंटल फ्लोरोसिस नहीं होता है, डेंटल कैरीज होते हैं, और एक्सेस इंटेक से डेंटल फ्लोरोसिस होता है और स्केलेटन फ्लोरोसिस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए शुक्रिया बहुत बहुत।